हाय गाइस, दिस इज अभिषेक कुमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही प्यारी होने वाली है, क्योंकि आज की जो लड़की की रिएक्शन आए इतने क्यूट आए हैं ना, मैं शूट कर चुका हूँ और अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। और गाइस, अभी मेरे पापा का बर्थडे था तो उनको मैंने आईफोन 12 गिफ्ट किया। तो मैंने उसके पैसे कहाँ से कमाए, मैंने उसके पैसे कमाए हैं बहुत ही ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म बिनोमो से। गाइस, बिनोमो पे पैसे कैसे कमाए जाते हैं, आओ मैं आपको बताता हूँ। गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने बिनोमो ऐप ओपन कर लिया और मेरे रियल अकाउंट में 15,000 रुपीज़ हैं। अब आपको क्या करना है, एसेट सेलेक्ट करना है जो कि मैंने पहले किया हुआ है। अब आपको अमाउंट सेलेक्ट करना है जितना अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहोगे, जैसे मैं 7,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। अब आपको प्रिडिक्ट करना है ये जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है, ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो आई थिंक ये ग्राफ नीचे जाएगा। अब आपको रिजल्ट की वेट करनी है। तो गैस, जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने 12,880 रुपये कमा लिए हैं। आप कमाए हुए पैसों को आसानी से विड्रॉ करवा सकते हो और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं विड्रॉ और डिपॉजिट करने के। तो गैस, आप किस चीज़ का वेट करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके बिनोमो ऐप डाउनलोड करो। अगर आप मेरे लिंक से डाउनलोड करते हो तो आपको $1,000 मिलते हैं आपके डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करने के लिए। तो गैस, जल्दी से जाओ। चीयर्स। कैसी है ये पिक्चर? कौन? हाय अभिषेक। मैं एक्चुअली आपको देख रहा था, आप यहाँ पे अकेले बैठे हो, तो मैंने सोचा मैं आपके पास आके थोड़ी सी बातें कर लूँ। मतलब आप यहाँ पे अकेले क्यों बैठे हो इतनी धूप में? इतनी धूप में? धूप में लाइट अच्छी है। अच्छा यार, आपको लाइट की जरूरत नहीं है वैसे, आप वैसे इतनी ज़्यादा सुंदर। नहीं, वो कैमरा पे ना लाइट अच्छी तो फोटो अच्छी आती है। अच्छा, मैं क्लिक कर दूँ? नहीं, सेल्फी अच्छा लगता है। मेरे साथ एक सेल्फी क्लिक कर। बट आप मेरी फोटो मतलब नहीं खराब हो जाएगी, मैं बहुत अच्छा लगता हूँ। आपकी सबकी चाहूंगी तो कोई पोस्ट नहीं कर पाऊंगी, आपको तो जानती भी नहीं हूँ। तो जान लो ना यार, मैं अभिषेक हूँ। मैं पता कहाँ से आया हूँ, दूसरी दुनिया। एक दुनिया होती है, इस दुनिया से अलग भी, इस दुनिया से अलग भी एक दुनिया, में वहाँ से आया हूँ। मतलब इससे अलग भी एक दुनिया है, तो मैं उस दुनिया से हूँ। जब मरने के बाद जो दुनिया होती है ना, मैं आपको बताता हूँ क्या क्राइटेरिया होता है, आपको पता नहीं होगा। मरने के बाद क्या होता है कि आपको एक स्पेसशिप में लेके जाया जाता है, वहाँ पे आपकी मेमोरीज इरेज कर दी जाती हैं और फिर आपको दूसरी दुनिया में भेज दिया जाता है। बट मेरी मेमोरी उन्होंने इरेज नहीं करी और हम पिछले जन्म में एक साथ होते थे। कौन? आप और मैं। आपको किसके पास? क्योंकि उन्होंने मेरी मेमोरी इरेज नहीं ना करी, मैं छुप के निकल गया था। जो इरेज करते हैं ना वहाँ पे मरने के बाद, भगवान जी या यमदूत? यमदूत ही होते हैं, बट हमारे यहाँ पे भगवान या यमदूत बोल देते हैं, बट वहाँ पे भी लोग रखे गए हैं, उनको भी जॉब पे रखा हुआ है। तो वहाँ पे ना लोगों की मेमोरीज इरेज करके उसको दूसरी दुनिया में भेजते हैं। बट हम मतलब पिछले जन्म में आपका नाम पता क्या था? अरे कसम से, आपका पिछले जन्म में नाम था प्रेरणा। अच्छा। हाँ, और मेरा अनुराग। क्या? अरे आई स्वेर, आपको याद नहीं होगा बट आपको धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। पिछले जन्म में हम बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी जा सकती है, इसको पिक्चर के लिए बनाया जा सकता है, इसको बहुत सारे अवार्ड नॉमिनेशन मिल जाएगा। अरे यार, ये स्टोरी नहीं है, ये रियलिटी है। क्या बात कर रहे हो आप? मैं किससे यकीन करूं? आपको मेरे को देख के याद नहीं आ रहा क्या? आंखें, हाँ देखो। बट आपकी आंखें सच में बहुत प्यारी हैं। वैसे ही थोड़ी सी कमजोर है इस दुनिया के लिए। नहीं, तो फिर दूसरी दुनिया के। तो मैं आपको दूसरी दुनिया में ले जाने आया हूँ यार प्रेरणा। क्या हुआ? किस पे ले जाओगे? मतलब बाइक में, गाड़ी में, स्पेसशिप में, एरोप्लेन में, प्राइवेट जेट में? अरे झाड़ू पे। झाड़ू पे? हाँ। कहाँ झाड़ू? अरे आएगा ना अभी, जादू करूंगा। तो करो जादू। आपको पता है सिर्फ मैं आपको ही दिख सकता हूँ और किसी को नहीं दिख सकता। ऐसा क्या? हाँ, क्योंकि मुझे वरदान मिला हुआ है कि जो मुझसे प्यार करता है वही सिर्फ मेरे को देख सकता है। जैसे मैं आपसे प्यार नहीं करते हो आप, आपको धीरे धीरे रियलाइज होगा क्योंकि आपको पिछला जन्म याद नहीं है ना। अरे हंस क्यों रहे हो? सब ठीक है ना यहाँ? अरे यार, प्रॉब्लम आप,
डॉक्टर वॉक्टर यहाँ बहुत सारी दुकानें, आई कैन हेल्प। मैं सब कुछ अपना हील कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे में बहुत सारी पावर्स हैं। और आप पिछले जन्म में हम साथ में होते थे, हमें अलग कर दिया गया। इंसान तो हो? अरे हूँ तो मैं इंसान ही, बट मेरे में पावर्स बहुत ज्यादा हैं। पिछले जन्म में हमें अलग कर दिया था लोगों ने, जो हमारे दुश्मन थे प्यार के, वो मर चुके हैं, वो अलग अलग दुनिया में चले गए हैं। उनको मैंने सबको मार दिया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब मैं अपना प्यार फिर से हासिल करने आया हूँ, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। आज मेरे 16 सोमवार के व्रत पूरे हुए। कौन से 16 सोमवार? जो मैंने ऊपर देख के आकाश में, और मैं जो पिछले 106 सालों से जो मैं व्रत होकर रहा हूँ, व्रत रख रहा हूँ आपके लिए, भी पूरे हुए ना। हाँ, तो मिल गई मैं आपको ढूंढते पूरी पृथ्वी पे। तो चलो ना अभी, तो ये मतलब आप बरात लेके आओगे मेरे लिए या पैदल ही ले जाओगे? मतलब कोई बरात फंक्शन कोई बरात हम दूसरी दुनिया में करेंगे ना, तो ये मेरा माइक का है, वहाँ पे मेरे पड़ दादा इंतजार कर रहे हैं, पिता की इजाजत लेके माइक से मुझे विधि विधान के साथ दूसरी दुनिया ससुराल में ले जाओ। जो मेरे पड़ दादा है वो भी वहाँ पे वेट कर रहे हैं आपका, उनको भी ले आओ ना बरात में। अरे वो आ नहीं सकते ना, उनके पास पावर्स नहीं है। भगा के ले जाओगे मुझे दूसरी दुनिया में? भगा के नहीं, उड़ा के, झाड़ू पे। हाँ झाड़ू पे भाई, मतलब कि पूरी इज्जत मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ दुल्हन बना के ले जाओ। मतलब आपकी इस जन्म में भी शादी नहीं हुई? कहाँ हुई है? कितनी उम्र है आपकी इस जन्म में? 16 अच्छा, मेरे से 2 साल ही बड़े हो। बस फिर 2 साल लेट पैदा हुए हो आप, मतलब दूसरी दुनिया में, क्योंकि मैं मरा ही नहीं था ना। एक्चुअली मैं सीधा वहाँ से वहाँ चला गया। और ना बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। हाँ। वो मैं आपको कॉफी, जब हम कॉफी पीने जाएंगे ना तब मैं आपको समझाऊंगा। तो हम कॉफी पीने चलते हैं। तो कॉफी पीने चलो। हाँ कॉफी पीने। दुनिया में, उस दुनिया में स्टारबक्स बरिस्ता कॉफी सीटीडी है, जैसे यहाँ है और उधर सब कुछ है। उधर ही तो पहले बना था, बाद में इधर बना। ओह लाइक दैट। हाँ आपको पता है जो मेरा बर्थडे डेट वही है अक्टूबर, सेम डेट को स्टारबक्स भी बना है। स्टारबक्स और मेरा बर्थडे सेम है, स्टारबक्स और स्टार। तो आप इस दुनिया में क्या? तो आप इस दुनिया में अभी सोच रहे होंगे लड़की पागल है, पर सारे लोग ऐसे ही पागल समझते हैं। क्योंकि उनको मैं दिख भी नहीं रहा, पता आपको, सिर्फ आप मुझे देख पा रहे हो, तभी ये सब लोग आपको घूर रहे हैं। कोई ना, मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता। तो मैं आपको हमारी दुनिया से वैसे ही मोह माया से ना अपना इंटरेस्ट उठ चुका है, मुझे लगता है दूसरी दुनिया के लोग ही अच्छे हैं आपकी तरह। तो चलो ना, दिल के सच्चे, मन के सच्चे है ना, वैसे भी अच्छे, वैसे भी अच्छे। तो हम चलते हैं ना साथ में, दूसरी दुनिया में चलते हैं। हाँ तो कॉफी पीते हैं। हाँ। और फिर मैं आपको बाहर भी जाए, दुनिया परवाह नहीं करते हमें, दुनिया लोगों की जो देख रहे हैं हमें। तो, हाँ। मतलब आप सच में इतना बोलते हो या आज इतना बोल रहे हो? नहीं मैं इतना बोलती हूँ कि ये लोग ना सिर्फ यही बोल सकते हैं, मेरा कुत्ता कुत्ता थे उधर, कुत्ता टॉमी ओदा, मतलब मतलब ओदा जो भी देख रहे हैं उनको लगता है उनके कुत्ते टॉमी। देखो मेरे को हिंदी के अलावा और कुछ नहीं आता। और फिर हम आगे इसे यही बोलते क्या, पता है पिछले जन्म मरना तो है नहीं, मर के भी वैसे उधर ही जाना है। तो आप पिछले जन्म में साड़ी पहनते होते थे और इस जन्म में आप शॉर्ट्स पहनने लग गए हो, बताओ यार प्यार मेरा कहाँ गया? साड़ी ले आओ, पहन लेते हैं, साड़ी चलते हैं रास्ते में, कॉफी पीते हैं। हाँ। फिर साड़ी खरीदते हैं। हाँ। ठीक है फिर मैं साड़ी पहन लूंगी, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद दूसरी दुनिया में भी तो जाना है। हाँ। या दूसरी दुनिया में शॉपिंग करें? नहीं इधर ही करके उधर चलते हैं ना, वो मेरे पड़दादा भी खुश हो जाएंगे ना। ब्रांड चलते हैं वहाँ? कौन सा ब्रांड चाहिए आपको साड़ी के? जो भी सत्य पॉल ये वो वहाँ सब चलता है? मुझे साड़ी का इतना पता नहीं है। और चूड़ा मांग में सिंदूर? हाँ वो मैं भर दूंगा। वो सब अरेंजमेंट कहाँ से करोगे? कर लेंगे वो तो, झाड़ू जब झाड़ू पे उड़ेंगे ना रास्ते में कर लेंगे। रास्ते में दुकानें होती हैं? अरे हाँ, जब यार मैं तो फिर ये गाना गाऊंगी, सात प्लेनेट दूर मैं तो उड़ते उड़ते तेरे पीछे आ गई। वाह क्या जिंदगी, रिकॉर्ड तोड़ दो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड। अच्छा मैं फिर सच बता देता हूँ, जो अब्रॉड नहीं, जो दूसरे प्लेनेट में ब्याह के गई है। वाह मुझे पता, उम्मीद थी भगवान। अरे हजारों लड़कियां जाती हैं, बट जब आप उधर जाओगे ना आपकी याददाश्त खत्म हो जाएगी, आपको याद कुछ नहीं रहेगा। तो मैं मम्मी पापा से कैसे बातें करूंगी यहाँ, फिर भाई से कैसे करूंगी यहाँ इस धरती पे? अच्छा ना मोबाइल चलेगा ना टेलीफोन चलेगा, हाय हाय तो सियप्पा तो शादी कैंसिल। अच्छा नहीं फिर मैं याददाश्त में प्रे करूँ उनसे, वो वरदान ले लूंगा कि आपकी याददाश्त भी जाए। काम करो। हाँ। पहले आप जाओ। हाँ। पति परमेश्वर की अच्छी ड्यूटी निभाओ। हाँ। मेरे लिए वरदान लेके आओ, फिर यहाँ आओ, वरदान तो मिल जाएगा, वो मेरे को जानते हैं। मेमोरी भूल गई ना, उधर की उधर भी फुल, अरे उधर भी फुल करप्शन चलता है ना, पैसे है मतलब फुल सेटिंग है, वहाँ पे भी पैसे चलते हैं, रुपीज इंडिया के, मैं डॉलर शॉलर धर्म शर्म नहीं, वहाँ अंग्रेज नहीं है, वहाँ सिर्फ इंडियंस है। हाँ, आप इतना बोलते हो या पहले तो बोलते नहीं थे पिछले जन्म में? यार मेरे को बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं मिलते इस दुनिया में। मैं हूँ ना, चलो ना कॉफी पी, मेरे लिए दूसरी दुनिया से। कौन सा फ्लेवर, कैपुचिनो या मोका? जो आप बोलो चलें। इनको पसंद क्या?
cappuccino and some nice sugar. And then you go up, take Vardhan from God, come down and then marry me and take me with you. But पहले वरदान को ना stamp लेके आना. ठीक है मैं ले आता हूँ. चलें फिर अभी पहुँचे. तो अप्पा ही अपनी जान से चलो. आप सच में इतना बोलते हैं आज इतना बोलते हैं. नहीं मैं बोलती हूँ बता दो इतने पागल देख रहे हो मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते तो अकेले बैठ के पंखा ले रही हूँ.